नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में बात करते हैं भू कानून अध्यादेश को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के संबंध में। जी हां, मैं आपको बता चलूं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक गांधी पार्क में बड़ी तादाद में भू कानून संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर सरकार द्वारा 2018 में भू कानून पारित करने के संबंध में विरोध व्यक्त किया है। भू कानून अध्यादेश संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार द्वारा 2018 में पारित भू कानून को तत्काल रद्द कर दिया जाए और साथ ही हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सशक्त भू कानून लागू किया जाए। आइए जानते हैं इस संबंध में भू कानून संयुक्त मोर्चा संघर्ष उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया रही। कानून संयुक्त संघर्ष मोर्चा जो है, जिसमें सभी गैर राजनीतिक संगठन एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ये आज जो मूल हमारी आवाज है वो ये है कि 2018 का जो भूमि मतलब जो हमारे राज्य विरोधी जो भू कानून आया था उसे तत्काल समाप्त किया जाए। अगली विधानसभा में जब ये आए तो एक विधेयक के रूप में इसको वापस लिया जाए। ये हमारी सबसे पहली यहाँ पे एक प्रस्ताव है जो कि बहुत जरूरी है हमारे राज्य को बचाने के लिए, हमारी जमीनों को, हमारे पहाड़ों को, हमारे पूरे राज्य को बचाने के लिए जरूरी है। दूसरा, एक नया सशक्त भू कानून हिमाचल की तर्ज पर। हम बार बार हिमाचल की तर्ज पर इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमाचल की तर्ज पे बोलना इसलिए जरूरी होता है कि वहाँ पे वहाँ की जमीनें वहाँ के मूल निवासियों की है। ये बार बार बात उठती है कि मूल निवास आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मूल निवास नहीं आएगा तब तक ये सशक्त भू कानून भी जरूरी नहीं हो पाएगा। हमें अपना मूल निवास चाहिए क्योंकि ये जमीनें हमारी, हम मूल निवासियों की है, मूल पहाड़ियों की है। हमारा पहाड़ नहीं बचेगा, हमारी जमीनें नहीं बचेंगी तो ये जितना भी इस राज्य को बनाने की अवधारणा है सब बेकार है। आज सब गैर राजनीतिक संगठन एक साथ यहाँ पे आए हुए हैं। मैं स्वयं पहाड़ों से, कर्णप्याग से खास तौर पे इस मोर्चे के समर्थन में आया हुआ हूँ। मैं पहाड़ की आवाज़ बन के आया हूँ इस मैदानी इलाके में। मैं चाहता हूँ कि पहाड़ का बच्चा बच्चा, हमारे मैदानी इलाके का बच्चा बच्चा इस आवाज़ को सशक्त करे। 2018 के इस कानून को, इस काले कानून को हटाना तो अति आवश्यक हो गया है और अब ये जन आंदोलन रोड पे घर घर से निकलेगा। और अब ये सरकारें, जो भी सरकार होगी वो ये देखेगी कि अब हमें हमारा राज्य, हमारी जमीनें हमें चाहिए, हम मूल निवासियों को चाहिए, ताकि रोजगार हमारा हो, जमीनें हमारी हो, यहाँ की हमारी संस्कृति बची रहे, बोली भाषा बची रहे। देखिए, आज संयुक्त जो है हमारा भू कानून संयुक्त मोर्चा के बैनर के तहत हम लोग सरकार से मांग करते हैं। लगातार राज्य बनने के बाद हमारी भूमि लुटती चली जा रही है। जो हमारी भूमि अपने हाथ है हम वो लुटती चली जा रही है और हम उसकी चौकीदारी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि सर्वप्रथम 2018 का भू कानून जो त्रिवेंद्र जी ने बनाया था उसको तत्काल रद्द किया जाए और धामी सरकार जो हिमाचल की तरफ से भू कानून है उसको लागू किया जाए, हमारा मूल निवास लागू किया जाए, ताकि हम अपने लोगों को, यहाँ के हक हकूकों को बचा सके। हम जो तमाम पलायन से लेकर रोजगार सारी चीजें उसमें निहित है उसकी तत्काल व्यवस्था करने की मांग करें और जो कमेटी बनी हुई है उसके लिए वो तत्काल अपना जो है उसको लागू करने का प्रयास करें। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। अब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।